सर एक और बात है सर, मन में सर। पूछिए पूछिए। सर मेरे आस पड़ोस में सर बहुत से लोग हैं सर जो इसी कंपनी में जुड़े सर, जी। पर सर फेल हो गए सर वो। सर मेरे मन में भी सर ये सवाल आ रहा है, क्या मैं कर पाऊंगा सर? अच्छा, आपके मन में आ रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं, आपको क्या लग रहा है कर पाओगे कि नहीं? सर बिल्कुल आइडिया नहीं है सर, जो पता नहीं सर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे तो पहले तो ये बोलूंगा कि मुझे लग रहा है आपने तो बहुत सारे लोगों से बात की है। क्या आपने बहुत सारे लोगों से बात किया है? सर बात तो नहीं की है सर, बट लोगों के मुझे सुना है सर, जरूर हाँ जी, सर लोगों के मुझे सुना है सर, काफी लोगों के मुझे सर। लोगों के मुंह से सुना है आपने। आशीष, मैं इतना कहना चाहूंगा कि पास और फेल का नंबर तो दुनिया के हर काम के अंदर चलता है। आशीष, कोई भी काम उठा के देख लीजिए दुनिया का। आप अगर एक स्कूल का ही एग्जाम्पल देता हूं आशीष आपको, एक स्कूल के अंदर जितने बच्चे पढ़ते हैं क्या सबके सब पास होते हैं कक्षा में? नहीं सर, कोई बच्चा 90 भी लाता है, कोई 80 भी लाता है, कोई 40% लाता है, कुछ फेल भी हो जाते हैं आशीष। ये हर जगह पर ऐसा है आशीष। तो पास और फेल एक नंबर है जो पूरे दुनिया के हर काम में चलता है आशीष। आशीष, क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं नहीं सर, अभी नहीं हुई है? तभी नहीं सर, बहुत खुश हो आप, हैं? जी सर। अच्छा, एक बात बता मैं आपको कहता हूं, शायद आप जानते भी होंगे, एक आंकड़ा है, कहते हैं कि जितने लोग शादी कर रहे हैं ना, पहले जितने ज्यादा शादी के बाद डाइवोर्स होते थे, पिछले 5 सालों में शादी के बाद डाइवोर्स के यानी तलाक के केस दुगना हो गया है। यानी जितने लोग शादी कर रहे हैं ना भैया, उसमें से बहुत सारे लोग का तलाक हो जाता है, यानी उनकी शादी नहीं चल पाती है। अब ये बात मैंने आपको बताया, ये बात सुनने के बाद आप शादी करोगे कि नहीं करोगे? सर आज नहीं तो कल करेंगे सर शादी। नहीं आज नहीं तो कल करेंगे आशीष, क्योंकि ये समझने की बात है। चाहे वो स्कूल है जहां पर अगर कोई बच्चा फेल होता है तो उसकी वजह स्कूल नहीं है, उस विद्यार्थी के अंदर की कोई कमी है, क्योंकि वही स्कूल, वही टीचर, वही ब्लैक बोर्ड, एक बच्चा 90% ला रहा है तो ये क्यों नहीं? ऐसे ही शादी करके ज्यादातर लोगों का लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी ठीक से नहीं चल पा रही है, अगर तलाक हो जा रहा है, तो उसकी अपनी एक वजह है आशीष। वैसे ही इस काम में अगर कोई पास हो रहा है या फेल हो रहा है, उसकी अपनी एक वजह है आशीष। मैं इसको एक जनरल उदाहरण से समझाता हूं आशीष। मान के चलिए आपने एक दुकान खोला, एक छोटा सा दुकान खोला आपने, और उस दुकान में आपने बहुत सुंदर सजावट करी, 30-40-50 लाख का माल भी भरा, बहुत सुंदर सा उद्घाटन किया, और जब दुकान पर बैठने की बात होती है आशीष, आप सुबह जाते हो, शटर उठाते हो, धूप बत्ती करते हो, आधा एक घंटा बैठते हो और शटर बंद करके घर आ जाते हो। ऐसा आप 1 साल, 1.5 साल और 2 साल करते हो आशीष, और फिर आप लोगों को कहते हो यार मेरा काम ही नहीं चला, मैं बर्बाद हो गया, आपने अपनी दुकान बंद कर दी और बोला मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया। तो क्या ये बिजनेस करने का सही तरीका था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। माय डियर, अगर आपको अपनी दुकान चलानी है ना आशीष, तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में भी मैंने देखा है आशीष, इस लॉकडाउन में भी अगर जहां दुकानें खोलने का मौका और अपॉर्चुनिटी मिली है, या जहां लोग खोल सकते हैं, छुप छुप के लोगों ने आधा शटर गिरा के दुकान खोला है, उन्हें मालूम है पता नहीं ग्राहक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन क्या पता ग्राहक कोई आ जाए, इस उम्मीद में लोगों ने सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक दुकान खोल के रखते हैं। मैं जस्ट रिसेंटली अपने गांव से लौटा हूं, तो मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं इस लॉकडाउन में, कि एक आदमी अपने बिजनेस के प्रति इतना समर्पित है, रोज 10 से 12 घंटे उस दुकान में देता है,
और सातवें दिन जरूरी नहीं है कि छुट्टी करता है वो बंदा, हो सकता है सातों दिन महीनों में तीसों दिन दुकान चलाता है कि छुट्टी वाले दिन भी ग्राहक ना आ जाए, या कोई बड़ी बात नहीं उस दिन दुकान अगर बंद करता है तो घर पर आराम नहीं करता है, मार्केट जाता है, नया सामान क्या आ रहा है, क्या मार्केट की जरूरत है वो लेकर आता है, यानी वो इतनी मेहनत करता है। तो आशीष हर काम अपने मुताबिक मेहनत मांगता है, अपने काम के मुताबिक समय मांगता है। आशीष जितने लोग नाकामयाब हुए हैं चेक कीजिएगा जरा, सबसे पहले क्या जितना उन्हें वक्त देने की जरूरत है क्या उन्होंने उतना वक्त दिया, क्या उन्होंने उतना समय दिया? वक्त का मतलब होता आशीष सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ना नहीं, वक्त का मतलब है कि आपने उस कंपनी में कितनी देर काम किया, पूरे दिन में, पूरे महीने में कितने घंटे काम किया। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो क्या एक दिन में आपने 8 से 10 घंटे का समय दिया? उसके अंदर या तो आप सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, किसी को अप्रोच कर रहे हैं, यानी आपने अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में समर्पित किया। लोग गलती क्या करते हैं आशीष, सिर्फ इसमें जुड़ जाते हैं, सिर्फ इसमें अपना एक फॉर्म फिल किया, जुड़ गए आप, और आप लोगों को बताते हो मैंने नेटवर्किंग 2 साल किया, 3 साल किया और 5 साल किया। लेकिन मेरे भाई उसमें आपने कितना समय दिया? समय किस चीज में? तो समय इसमें देना किसमें होता है आशीष? ट्रेनिंग लेने में। समय किसमें देना होता है? सीखने में। दुनिया का कोई भी आदमी लाके खड़ा कर दो मेरे सामने जो बोले मैंने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, एक एक ट्रेनिंग मेरी जुबान पर है, मैंने पूरा समय दिया है यहां पर, 2 साल 3 साल दिन रात मैंने यहां मेहनत किया है, और मैंने 100 लोगों को बिजनेस दिखाया है। बिजनेस तो दिखाना पड़ेगा ना आशीष, मैंने यहां पर 100 लोगों को बिजनेस दिखाया है। एक आदमी ढूंढ के ला दो जो ये बात बोले और बोले मैं फेल हो गया हूं। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है आशीष। अगर आप ये करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेसफुल ना हो, लेकिन आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आपको इस तरह से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा आशीष। तो आपके अगल बगल जो लोग मिले होंगे ऑफकोर्स वो जुड़े होंगे, लेकिन या तो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, ट्रेनिंग लिया होगा तो थोड़ा बहुत लिया होगा। ट्रेनिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग घोट कर पी गए हों, क्योंकि जब उनके पास शब्द आएगा तो लोगों से बात कर पाएंगे, उनके पास जवाब होने चाहिए। वो 100 लोगों को इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर चुके हों, और कम से कम हमारे चेतन सर की ट्रेनिंग देखिएगा मिलेनियर मास्टर, उसमें भी कहा गया है कि आपको इस बिजनेस को 1000 दिन करना है। कितने दिन करना है? 1000 सर, 1000 दिन करना है। आप ढूंढिएगा, आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा। और आप ही बताइए, यहां पर जब आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, आपको डायरेक्शन दिया जाएगा, और जिस डायरेक्शन पे चलकर लोग यहां पर महीने का 50,000, 1 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं, आप भी वही चीज फॉलो करेंगे तो आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? कमाऊंगा सर, बिल्कुल कमाऊंगा। अगर लेकिन आपने फॉलो नहीं किया तो चांसेस हैं शायद आप ना कमाएं। लेकिन तीनों चीजें फॉलो करनी है, एजुकेशन है, 1000 दिन का समय देना है, और 100 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, पूरे जोश जुनून से 1000 दिन काम करना है। ये आशीष? बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल करूंगा सर 1000 दिन काम सर। और यकीन मानिए जब आप करोगे तो मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल सर, आपकी बातों से लग रहा है सर कि हाँ मैं कामयाब जरूर हो जाऊंगा सर। यस बिल्कुल सर, मैं हो जाऊंगा कामयाब सर, मुझे भरोसा है सर। गुड,